सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है वो ब्लाउज जो हमने पिछली वीडियो में कट किया था। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बैक पार्ट। पहले हम इसमें नेक बना लेंगे। नेक को भी हम पलट के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर जो है हमारा, इस पर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मैं ले लूँगी 3। तो 6.5 मुझे बैक नेक रखना है, तो मैं 7 ले लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जाएगा स्टिचिंग में। और ये है मेरे पास फ्रेंच कर्व, इससे हम नेक की शेप दे देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमें दूसरी साइड भी इसका जो है मार्क मिल जाए। इसको भी डार्क कर लेंगे। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज का, इसको ले लेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे जैसा हमने उस पर लगाया हुआ है। और इसको हमें सीधा रखना है। और इसको इस तरीके से रखेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने उल्टा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो है डार्ट्स की भी मार्किंग की हुई है, ताकि हम इसको पलटें तो वो मार्किंग वाला हमें ऊपर की साइड दिख जाए। तो इसीलिए मैंने इसको अस्तर को उल्टा रखा है। तो यहाँ पर जो नेक हमने ड्रॉ किया है वो हमें दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा उस पर और एक बार चौक चला देंगे तो वो दिख जाएगा। तो इसको हम सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिया है, पिन्स लगा ली हैं। अब हम यहाँ पर एक सीम लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं सीम। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सीम लगा ली है मैंने। पिंस को कर देंगे रिमूव। और यहां पर लगा देंगे कट। इस तरीके से हमारा नेक आ गया है। इस पर प्रेस लगा लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम फ्रंट का नेक बनाएंगे, पर उससे पहले हमें क्या करना है, जो फ्रंट वाला हिस्सा है इस तरीके से हमने कट करा था। तो फ्रेंड्स, पहले हम इन पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। हमने 2 पार्ट्स में ब्लाउज कट किया था कुछ इस तरीके से। तो पहले हम अस्तर जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने लिया है सेंटर वाला पार्ट और एक ये लिया है हमने साइड वाला पार्ट। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे।
ये जो सीधा हिस्सा है ये नीचे की साइड आएगा, और ये जो इस तरीके से कट हो रहा है यानी कि ये आर्म होल वाला है, तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से घुमाते हुए इसको पूरा नीचे तक स्टिच लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं स्टिच। हाफ हाफ इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। धीरे धीरे हमें कपड़े को सेट करते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट हमने स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब हम दूसरा पार्ट स्टिच करेंगे, दूसरी साइड, दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। जैसे पहले वाले को रखा था तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हमें करना है मेन फैब्रिक वाला पार्ट स्टिच, इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो था अस्तर। अस्तर उसमें सीधे उल्टे का कुछ पता नहीं चलता, तो हम स्टिच लगा देते हैं उठाकर, पर ये जो फैब्रिक होता है इसमें हमें सीधा उल्टा भी देखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम सीधा रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर इस वाले पार्ट को, जो हमारा साइड वाला पार्ट है, इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से उल्टा रखकर स्टिच लगाएंगे। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे। और यहाँ पर जब राउंड में आ जाता है तो इसको हमें थोड़ा सा धीरे धीरे लगाना पड़ता है। तभी अच्छी शेप आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पे प्रेस लगा ली है। फ्रेंड्स, जब भी आप स्टिचिंग करते हैं तो जो सिलाई वगैरह लगाते हैं, अगर आप साथ के साथ उसको प्रेस भी करते जाएंगे तो उसकी फिनिशिंग अलग ही आती है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई जो है बैठ जाती है, और फिर वो बाद में देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैंने इस पे भी प्रेस लगा ली है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये है अस्तर, इस पर भी हम नेक बना लेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी, इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। जो उल्टी साइड है उस साइड हमें नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ से 3 लेकर और यहाँ से 6.5 लेकर, क्योंकि मुझे 6 नेक चाहिए, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है।
यहाँ पर भी मैं राउंड नेक ही बनाऊंगी। तो उसी तरीके से हम, जिस तरीके से हमने बैक नेक बनाया था, उसी तरीके से हम फ्रंट नेक भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेक मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये हमें लेना है, इसको सीधा करना है, सीधा रखना है, और इसको लगाएंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट नेक भी बना लिया है, और इसको पलटा कर मैंने प्रेस लगा दी है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे, इस तरीके से खोल देंगे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को भी। बैक पार्ट को भी इस तरीके से खोलेंगे, और इन दोनों का जो सेंटर है उसको मिलाकर स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड ऐसे ही करना है। तो चलिए लगा लेते हैं स्टिच। फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसको इस तरीके से पीछे की तरफ पलट देंगे, और इसको इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत फिनिशिंग से आ जाएगा नेक और शोल्डर। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा अस्तर है इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, और इसके साइड में हम स्टिच लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड में सिलाई लगा दी है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर दिया है। और उसके बाद मैंने जो डार्ट का निशान लगाया हुआ था पीछे, उस पर भी मैंने स्टिच लगा दिया है इस तरीके से, इसको पकड़ के डबल, और यहाँ पर एक स्टिच लगा दी है। इस तरीके से दूसरी डार्ट पर भी मैंने किया है, इस तरीके से पकड़ के हाफ इंच लेकर, और यहाँ पर स्टिच लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो नॉर्मल ब्लाउज़ होते हैं साड़ी वाले, तो उनको हम ओपन रखते हैं या फ्रंट से या बैक से। तो जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है उसमें हम बैक ओपन करते हैं इसकी। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके, जो बैक वाला हमारा पार्ट है उसको यहाँ से सेंटर से कट लगा देंगे। इसमें मैं कट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मैंने कुर्ती के लिए बनाया है ब्लाउज़, तो मैं इसको बंद ही रखूंगी। और किसी वीडियो में आपको ये बता दूंगी प्लेकेट लगाना ब्लाउज़ की। फ्रेंड्स, एक बात और, ये ब्लाउज़ तो मैंने कुर्ती में अटैच करने के लिए बनाया है, इसलिए इसको मैंने नीचे से फोल्ड नहीं किया। पर जब आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो डार्ट, ये जो मैंने लगाई है पीछे वाली, इसको लगाने से पहले आप नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद डार्ट लगाएंगे। मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी, और फिर इसमें मैं नीचे जो भी मुझे जॉइंट करना है उसके बाद कर लूंगी, और स्लीव लगा दूंगी। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।